हेलो डियर स्टूडेंट, मैं पुष्पेंद्र शर्मा डीएस साइंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लेकर आए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के साथ अपन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पहला पूछा गया है द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स और एक्स माइनस फोर। तो डिग्री जो है हाइएस्ट पावर डिग्री होती है और इसका आंसर अपना हो जाएगा 2। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा, जिससे इसमें आंसर आएगा 2। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, सेकंड नंबर का क्वेश्चन, द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हैविंग 6 टर्म एंड 2 एंड 10 10, देन द सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज, तो इसका आंसर बेटा हो जाएगा 36। थर्ड वाला क्वेश्चन इसमें दे रखा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P5 और -4 फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हमसे पूछा गया है, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस तो आंसर हो जाएगा इसका 4 आ जाएगा बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग, फोर्थ वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर में ऑप्शन आ जाएगा इसमें B। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो फिफ्थ वाला है, फॉर विच वैल्यू ऑफ के इज फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x + y = 1, और दूसरा इक्वेशन दे रखा है 2k - 1x + y = 2k + 1, तो इसमें जो k की वैल्यू होगी वो आएगी 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं, और 6 में रूट ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 आर नॉट रियल, नॉट रियल रूट के लिए रूट्स आर इमेजनरी अगर अपन कहें तो b² - 4ac इज लेस देन जो 0 के बराबर हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ax + 4 y + 5 and b (6 - x) और 3 - y इज, तो मिड पॉइंट फार्मूला इसमें बेटा यूज़ करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा 5.4। अगला 8th वाले क्वेश्चन पर आते हैं अब, और साइन की वैल्यू यहाँ दे रखी है आपको 1/2, तो वैल्यू आपको फाइंड करनी है 2 sin a और cos a। 8th वाले क्वेश्चन के लिए अपन देखें, इसमें जो आंसर है वो आ जाएगा √3/2, इसका आंसर होना चाहिए और इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, √3/2, यानी साइन ए जो है 1/2 के बराबर है और 1/2 sin 30 की वैल्यू होती है, तो 2 sin a cos a की वैल्यू हो जाएगी √3/2। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में इसमें वैल्यू अपन को फाइंड करनी है 2 tan θ / 1 - tan²θ, तो इसकी वैल्यू अपन टेन थर्टी की वैल्यू 1/√3 जब इसमें रख करके इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर √3 आ जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। इसके बाद ए डाइस थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, डाई पर प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसका ऑप्शन ए राइट है, 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन। अब क्वेश्चन नंबर 11, मीडियन ऑफ डाटा 2, 0, 7, 3, 4, 8 एंड 1 इज, तो पहले तो आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे और अरेंज करने के बाद इसका जो आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन ए, 3 इसका आंसर आएगा। द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी फॉलोइंग डाटा इज 60, इस फ्रीक्वेंसी की जो सम है वो 60 दे रखा है, तो वैल्यू ऑफ एक्स अपन को इसमें फाइंड करनी है, तो इन सब को प्लस करके 60 में से लेस कर देंगे बेटा, तो ऑप्शन इसका जो बी है वो राइट हो जाएगा। इस तरह से ये जो MCQ वाले क्वेश्चन थे वो होंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड वाले पर आ जाते हैं अपन, इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको भरना है क्या आएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है सेकंड का फर्स्ट, तो AP दे रखी है जिसमें फर्स्ट टर्म दे रखा है और फोर्थ टर्म भी दे रखा है, बीच के जो दो टर्म अपन को फाइंड करने हैं, तो इसमें जो आंसर आएगा पहले वाले का वो आ जाएगा 6 whole 1/2 या 13/2 भी इसको अपन कह सकते हैं, और नेक्स्ट आ जाएगा 8। इसके बाद सेकेंड वाले में इस पर थोड़ा सा ध्यान दें, इन पेयर लीनियर इक्वेशन ax + a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरा पेयर दे रखा है a2x + b2y + c2 = 0, और यहाँ हमको कंडीशन ये दे रखी है बेटा, इस कंडीशन पर आपको ध्यान देना है, हमारे पास जो कंडीशन इस तरह की तीनों की होती है a1/a2, b1/b2 और c1/c2, अगर ये तीनों इक्वल होते हैं तो ये
लाइन की अगर बात करें तो कोइंसिडेंट लाइन को ये रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन यहाँ पर रेशो कुछ अलग करके दे दिया, ए वन अपॉन बी वन दिया है, ए टू अपॉन बी टू दिया है। इस फॉर्म में इसको अपन कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करने में यदि इस ए टू को इधर लाएंगे और बी वन को ऊपर ले जाएंगे तब जाकर ये रेशो बनेगा, और ऐसा करने पर ये जो लास्ट वाला सी वन सी टू है ये इसके इक्वल नहीं होगा। और अब ये जो कंडीशन बन गई है ये हमारी नो सॉल्यूशन की कंडीशन बन गई, और नो सॉल्यूशन की कंडीशन बन जाने के कारण यहाँ लाइंस पैरेलल होंगी, तो इसमें आपके ये पैरेलल लाइन आएगा। अगला नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड सेकंड का, एक 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन सेगमेंट है और इसमें इसको डिवाइड कर रहे हैं हम 2:1 में, तो लेंथ ऑफ लार्जर पार्ट, बड़े वाले पार्ट की लेंथ क्या होगी, तो 5 सेंटीमीटर होगी। इसका आंसर आएगा 5 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट 3, -2 एंड 4, 5 इज, तो इसको जब सॉल्व करेंगे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो इसका आंसर √50 या 5√2 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। फिफ्थ वाला क्वेश्चन सेकंड का, इसमें आपको वैल्यू फाइंड करनी है कॉस 48 माइनस साइन 42 की, तो इसमें आप 90 माइनस थीटा कप्लीमेंट्री एंगल वाला फार्मूला लगाएंगे तो इसमें आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट मोड ऑफ फॉलोइंग डाटा, तो इस गिवन डाटा का जब मोड फाइंड करेंगे तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी आप देख सकते हैं यहाँ 2 की है, टू यहाँ आप देख सकते हैं 3 times आ रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो ये अपना सेकंड क्वेश्चन हुआ। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, थर्ड वाला, और थर्ड में वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा है फाइंड द LCM फाइंड करना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसमें 72 और 120। तो इसका जब LCM आप इस तरह से फाइंड करेंगे तो LCM फाइंड करने पर इसका जो आंसर आएगा वो 360 आ जाएगा बेटा। तो ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का पहला हिस्सा हुआ। सेकंड जो है थर्ड का, उसमें आपको एक पॉलीनोमियल फाइंड करना है जिसमें सम और प्रोडक्ट आपको इसमें दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वाला फार्मूला लगाएंगे तो इसमें पॉलीनोमियल जो आएगा वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2। ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसके बाद जो नीचे क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है, थर्ड का थर्ड, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस एक्स 8 है, तो इसका स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन करने पर एक्स स्क्वायर माइनस का 4x आएगा, प्लस का 2x आ जाएगा, माइनस 8। अब आप पेयर बनाकर जब कॉमन लेंगे और उसके बाद इसको इसमें ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे तो पहला ज़ीरो तो आ जाएगा 4 और दूसरा आ जाएगा माइनस का 2। तो ये इसके आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन आते हैं। यहाँ अब आपको एक लीनियर इक्वेशन में कंडीशन दी हुई है, इसको रिप्रेजेंट करना है। 5 pencil एंड 7 pen जो है वो 50 rupees में खरीदे गए हैं। इसके बाद 7 pencil और 5 pen जो है वो 46 rupees में यहाँ लिए जा रहे हैं, तो इसको आप लीनियर इक्वेशन में जब कन्वर्ट करेंगे तो अपन लेट कर लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 pencil इज़ x एंड कॉस्ट ऑफ 1 pen इज़ y। तो पहली इक्वेशन हमारी आ जाएगी 5x + 7y इज इक्वल टू 50, और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी 7x + 5y इज इक्वल टू 46। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ होगा। अब फिफ्थ वाले की बात करते हैं। इसमें एक x माइनस 2 माइनस x और 3x, इसको 3x के साथ में x माइनस 2 इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म आपको लिखना है, यहाँ x से x तो कैंसिल हो ही जाएगा, इसके बाद यहाँ से ये मल्टीप्लाई लगा देंगे और मल्टीप्लाई लगा करके सारी जो इक्वेशन को एक तरफ आप लेकर आएंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगी वो ये बन जाएगी बेटा 3x² - 6x+2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन। अब इसमें एक लाइन सेगमेंट है 5 cm का और उसको आपको बाइसेक्ट करना है, तो लाइन सेगमेंट 5 cm का आप स्केल से ड्रा करेंगे जो सामने फिगर बना हुआ है, और इसमें आधे से ज़्यादा लेंथ लेकर के दोनों आर्क ए से लगाएंगे फिर बी से लगाएंगे और ये बाइसेक्टर हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपको 5 cm के लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर कर देना था। इसके बाद इस 7 वाले क्वेश्चन में आपको, क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें आपको नेचर बताना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई है, तो डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac यहाँ फाइंड कर लेंगे
और वी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जब फाइंड करेंगे तो माइनस एट का स्क्वायर आएगा फोर ए, तो यहाँ थ्री आएगा और सी आ जाएगा माइनस का सिक्सटीन। अब यहाँ जब इसको मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू है वो आ जाएगी जीरो से बड़ी, क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा, 64 तो यह ही जाएगा। इनको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यहाँ बड़ा हो जाएगा ज़ीरो से। देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिस्क्रिमिनेंट जो है ज़ीरो से अगर बड़ा हो जाएगा तो फिर रूट्स जो है वो रियल और अनइक्वल आ जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन नंबर एट, पॉइंट क्यू दे रखा है इज मिड पॉइंट ऑफ फाइव माइनस फोर और एक्स और सिक्स, तो ये जो क्यू है ये इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फार्मूला यहाँ यूज़ कर लेंगे और इस तरह से इसमें लिखेंगे एक्स वन प्लस एक्स टू करते हैं तो अपॉन में टू, इसी को अपन ले लेते हैं तो आ जाएगा फाइव प्लस एक्स अपॉन टू, ये पहला वाला कोऑर्डिनेट आ रहा है और वो ज़ीरो के बराबर यहाँ दिख रहा है, तो एक्स की वैल्यू फिर आ जाएगी एक्स बराबर माइनस फाइव, तो इसका आंसर माइनस फाइव हो जाएगा। इसके बाद इसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिकल टू टेन स्क्वायर फोर्टी फाइव और प्लस कॉस स्क्वायर थर्टी और माइनस साइन स्क्वायर सिक्सटी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो टेन फोर्टी फाइव वन हो जाएगा तो वन का स्क्वायर और प्लस में रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर और माइनस में फिर रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर, कुल मिलाकर ये टू ही रह जाएगा क्योंकि टू इंटू वन तो टू होगा और ये दोनों तो यहाँ कट जाएंगे, माइनस का थ्री बाई फोर आएगा एक तो और एक प्लस का थ्री बाई फोर आएगा, तो दोनों कट जाएंगे तो आंसर इसका टू आ जाएगा। इसके बाद प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टेन, ए बैग कंटेंट थ्री रेड बॉल फाइव ब्लैक बॉल एंड ए बॉल इज़ ड्रॉन रेंडमली फ्रॉम द बैग, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल विल बी रेड, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आप यहाँ यूज़ कर देंगे, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, तो आंसर आ जाएगा थ्री अपॉन एट। तो ये क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर हुआ प्रोबेबिलिटी वाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अब क्वेश्चन नंबर जो इलेवन है उसमें आपको दे रखा है टेन ए इज़ इक्वल टू कॉट बी, तो देन वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, यहाँ आप कप्लीमेंट्री एंगल वाला फार्मूला यहाँ यूज़ कर देंगे, टेन बदल जाएगा, कॉट बदल जाएगा टेन में ही और 90 माइनस बी कंपेयर करने से 10 तो यहाँ से हट जाएगा, तो ए बराबर 90 माइनस बी, तो ए प्लस बी बराबर 90, तो इसका आंसर 90 डिग्री आ जाएगा इस तरह से। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब थर्ड का लास्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको ये सामने एक डाटा दे रखा है और इस डाटा का आपको मीन फाइंड करना है, तो मीन फाइंड करने के लिए सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा ये फार्मूला यूज़ करेंगे, इन सबको आप प्लस कर देंगे और फिर डिवाइड लगा देंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो सिक्स से डिवाइड यहाँ लग जाएगा, तो कुल मिलाकर इसका आंसर 13.33 या 13 होल वन अपॉन थ्री। अब पार्ट बी, सेक्शन बी पर आते हैं बेटा, और सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर फोर, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, एपी दे रखी है आपको 10, 7 और 4 और लास्ट टर्म दे रखा है माइनस का 32, तो इसमें आपको सबसे पहले तो ए आप लिख ही देंगे 10 आएगा, डी यहाँ सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे माइनस का 3 आएगा और ए एन जो है माइनस का 32 आ जाएगा। अब इसमें आप फॉर्मूला एपी का ये वाला यूज़ कर लेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, वैल्यू रख लेना बेटा माइनस का 32 और 10 एन माइनस वन, तो एन तो यहाँ फाइंड करना है हमको और डी हमारे पास माइनस का 3 है, सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा एन इज़ इक्वल टू 15। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका होगा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको फार्मूला यूज़ करना था ए एन बराबर ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जिसमें आपको लास्ट टर्म माइनस का 32 दे रखा था, डी अपन ने माइनस 3 ले लिया और फार्मूला यूज़ करके एन की वैल्यू आ जाएगी 15। अब इसमें अगला ये भी एपी का ही क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 200 पॉजिटिव इंटीजर, तो 1, 2, 3, 4 इस तरह से 200, तो यहाँ एन की वैल्यू भी 200 हो जाएगी और साथ में एन की वैल्यू 200 हो गई। अब इसमें ए तो 1 हो जाएगा और डी भी 1 हो जाएगा,
तो एस एन का फॉर्मूला एन अपॉन टू ए प्लस एल, यहाँ तो एल भी यहाँ हो जाएगा 200। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 200 अपॉन टू वन प्लस 200 कट जाएगा, ये 100 आ जाएगा, 100 इंटू 200 वन, तो आंसर हो जाएगा इसका 20100। तो इस तरह से एस एन का फार्मूला एन वाई टू ए प्लस एल इसमें यूज़ करके आपको ये आंसर दे देना है, इसका आंसर आ जाएगा 20100। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 वाले पर आते हैं। इसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है बेटा और इसके रूट्स फाइंड करने हैं, तो रूट फाइंड करने में आप तीनों में से कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। बाकी स्प्लिटिंग मेथड से इसमें अगर करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर तो 180, सब्ट्रैक्ट करने पर 8, तो 18 और 10 इसका स्प्लिटिंग हो जाएगा, तो माइनस का तो 18 आएगा और प्लस का 10 और माइनस का 180 इज इक्वल टू 0। पेयर बना के यहाँ पर अब कॉमन ले लेंगे, x कॉमन आएगा तो x माइनस 18, यहाँ से 10 कॉमन आएगा तो x माइनस 18 और 0। तो इस तरह से इसमें x माइनस 18 हो गया और एक हो जाएगा x प्लस 10, 0 के बराबर रखेंगे इनको तो एक आंसर तो आ जाएगा 18 और एक आएगा माइनस का 10। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें लीनियर इक्वेशन आपको दे रखी है, इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने में आप कोई सा भी मेथड इसमें यूज़ कर सकते हैं। चार चार मेथड है, एलिमिनेशन मेथड अगर लगाएंगे तो दोनों इक्वेशन को आप लिख देंगे इस तरह से, और एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 14, सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ x तो कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 7y आएगा और इधर से माइनस का 7 आ जाएगा, तो y की वैल्यू तो आ जाएगी 7 अपॉन 7 यानी 1, y तो 1 आ जाएगा, y बराबर 1 जो आया इसको पुट कर देंगे इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फिर x की वैल्यू आ जाएगी और वो आ जाएगी 10। तो आंसर इसका 10 और 1 होगा, एलिमिनेशन मेथड से मैंने सॉल्व किया है, आप किसी भी मेथड से कर सकते थे। आंसर आएगा 10 और 1, x 10 आएगा, y आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एस सी एफ फाइंड करना है बेटा इनका दोनों का। तो एस सी एफ के भी दो मेथड आपके बुक में है, प्राइम फैक्टर मेथड यूज़ कर सकते हैं या फिर यूक्लिड डिवीजन मेथड इसमें यूज़ करेंगे और डिवाइड दे देंगे। जैसे यूक्लिड डिवीजन से हम करें तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो बच जाएगा इसमें से अब 9, मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ सब्ट्रैक्ट करने पर 8 बचेगा अब, तो यहाँ तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, दोबारा से डिवाइड देंगे 8 से 32 में तो 4, और अब रिमाइंडर 0 आ जाएगा, देन एस सी एफ यहाँ हो जाएगा 8। डिवीज़न मेथड से मैंने किया, आप इसको प्राइम फैक्टर मेथड से भी कर सकते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 वाले का 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पॉलिनोमियल बताना है, उसके जीरोज आपको दे रखें तो फैक्टर फिर ये हो जाएंगे, और इसमें ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी तो एक्स स्क्वायर और 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें जीरोज़ फाइंड हो जाएंगे और आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें आपको एक लाइन सेगमेंट है जो वाई एक्सिस से डिवाइड हो रहा है, डिवीज़न पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, देन एक्स इज इक्वल टू 0, और सेक्शन फार्मूला एम वन एक्स टू एम टू एक्स वन अपॉन में एम वन प्लस एम टू इसमें यूज कर लेंगे और 0 के बराबर रख देंगे, तो यहाँ रेशो जो है वो आ जाएगा 5:1, इसका आंसर होगा 5:1। इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, एम वन अपॉन एम टू की वैल्यू निकाल लेंगे, के रेशो 1 लेकर के भी आप इसको कर सकते हैं, तो 5:1 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ चलते हैं अब, और इसमें 11th वाले क्वेश्चन में 7.6 का एक लाइन सेगमेंट खींचना है और उसको 1:2 में डिवाइड करना है, तो एक लाइन सेगमेंट आप 7.6 का ले लेंगे और सम ऑफ रेशियो के बराबर इसमें आप आर्क लगा देंगे, ऊपर अक्यूट एंगल बनाती हुई लाइन सेगमेंट मैंने खींच दिए, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ भी खींच सकते, और दोनों का सम 3 हो रहा है तो 3 आर्क यहाँ इक्वल डिस्टेंस पर लगाएंगे।
लास्ट वाले को ज्वाइंट कर देंगे और अब इसके बराबर का एंगल बना देंगे वन पर। इतनी डिस्टेंस लेकर के यहाँ से कट कर लेना बेटा, तो ये इस तरह से कट होगा और ये पैरेलल लाइन दोनों आ जाएंगी, तो ये 1:2 में डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इसका कंस्ट्रक्शन, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप चाहें तो लिख सकते हैं दो लाइन। अब साइन ए की वैल्यू नेक्स्ट वाले क्वेश्चन 12 में दे रखी है 3/5, तो आपको टेन ए प्लस कॉस ए बताना है। तो यहाँ साइन ए पी अपॉन एच जब है तो पी तो 3 हो जाएगा और एच 5, तो आप बेस यहाँ फाइंड कर लेंगे और वो आ जाएगा 5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 25 - 9, तो 16 का 4। तो अब यहाँ से दोनों वैल्यू 10 निकाल लेंगे, 10 ए पी अपॉन बी, दैट मीन्स पी तो 3 हो जाएगा और बी हो जाएगा 4, और दूसरा निकाल लेंगे कॉस, कॉस हो जाएगा बी अपॉन एच, तो बेस तो यहाँ पर है अपने पास 4 और एच 5, 4/5। अब इन दोनों को आप प्लस कर देंगे, 3/4 + 4/5, एलसीएम 20 आएगा, 5 बार डिवाइड जाएगा तो यहाँ 15 आ जाएगा, और प्लस 16 31/20, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है इसको, sec a प्लस tan a 1 - sin a इज इक्वल टू cos a, तो LHS यहाँ ले करके आप इसको कर सकते हैं। sec की वैल्यू 1/cos और tan की वैल्यू sin/cos, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, 1 - sin को चेंज नहीं करना है। अब यह LCM आएगा cos, तो 1 + sin यहाँ बच जाएगा और इधर 1 - sin ऑलरेडी पहले से ही है। ऊपर a + b, a - b की आइडेंटिटी लगाकर इसको लिख देंगे a²b² के हिसाब से, अपॉन में cos a, तो 1 - sin² cos² हो जाएगा, अपॉन में कॉस, एक कॉस यहाँ कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो इसका आंसर आ जाएगा कॉस, बराबर हो गया RHS। तो इस तरह से ये करना है, इसमें प्रूव करना था हमको sec a प्लस tan a और 1 - sin a जो है कॉस a के बराबर। तो हमने यहाँ LHS ले लिया और उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया, साइन को चेंज नहीं किया। ऊपर a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन गई, तो ये कॉस स्क्वायर के अपॉन में कॉस आया, तो कॉस इसका आंसर। अगले पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, और इसमें आपको एक टेबल दे रखी है, एक्स और एफ दिया हुआ है और आपसे इसमें पूछा है यहाँ पर मीन। तो एक्स और एफ जब दे रखा है तो आप पहले तो सिग्मा एफ कर लेंगे, एफ वाली लाइन का प्लस करेंगे, 16 आ जाएगा, और इसके बाद एफ इंटू एक्स कर लेंगे, तो एफ इंटू एक्स करने पर जैसे 0 को 1 से करेंगे 0 आएगा, 4 को 3 से करेंगे 12, 40 और 48 और 32 और 820, इनका सम कर लेंगे 152 आ जाएगा। फिर फार्मूला एक्स बार मीन का सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, और यहाँ 152 डिवाइडेड बाय 16 से इसमें डिवाइड दे लेंगे, तो 9.5 इसका आंसर आ जाएगा, 16 से 9 बार डिवाइड जाएगा और 9.5 इसका मीन आ जाएगा, सॉरी। तो इस तरह से ये मीन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो 15 क्वेश्चन है उसमें आपको टेबल दे रखा है क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी का, जिसमें क्लास 50 से 55, 55 से 60, इस तरह से 80 तक ये दिया हुआ है, और फ्रीक्वेंसी दी है 2, 8, 12, 24, 38 और 16, और आपको कह रहा है ये इसको चेंज करना है मोर देन टाइप सी एफ में। तो मोर देन जब सी एफ टेबल अपन बनाते हैं तो उसमें कॉलम एक्स लेंगे और उसमें यहाँ जो क्लास दे रखा है मोर देन बना रहे हैं, तो लोअर लिमिट यहाँ ली जाएगी, मोर देन 50, मोर देन 55, मोर देन 60, मोर देन 65, मोर देन 70, मोर देन 75। अब इसके बाद इसमें सी एफ जो बनाएंगे तो नीचे की तरफ से आप प्लस कर देंगे, इसको 16 का तो 16 जब आ गया, इसके बाद इसमें इसको प्लस करेंगे तो 54 आ जाएगा, और 54 जब आ गया तो उसमें 24 प्लस करेंगे 78 आ जाएगा, फिर 78 में आप प्लस कर देंगे 12,
तो आ जाएगा 90 में 8 प्लस करेंगे तो 98 आ जाएगा, और फिर 100 आ जाएगा 2 प्लस कर देंगे तो नीचे की तरफ से सम लगा देंगे। इस तरह से ये आपकी मोर देन सीएफ टेबल बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ अब एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन 16 वाला, जिसमें टू प्लेयर ए एंड बी प्ले ए टेनिस मैच, दो प्लेयर हैं जो टेनिस का मैच खेल रहे हैं और ए और बी हैं वे, और उसमें से ए की जो विनिंग करने की प्रोबेबिलिटी वो दे रखी है बेटा 0.62, और प्रोबेबिलिटी बी की विनिंग की आपको फाइंड करनी है। तो ए की जब दे रखी है तो इसमें ये वाला आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, पी ए और पी ए नॉट इज इक्वल टू 1, ये गिवन है 0.62, और पी ए नॉट अपन निकाल लेंगे तो वो बी की विनिंग की प्रोबेबिलिटी होगी, तो 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, 1 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो आंसर इसका देखें, इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया अपन ने 1 में से, और ये आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 16 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पर आते हैं हम, और इसमें आपको दे रखा है द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 7 to 8 एंड फर्स्ट टर्म 8 है, देन फाइंड द 20th टर्म। तो एस एन का हमने बड़ा वाला फार्मूला यहाँ यूज़ कर लिया है, और फार्मूला यूज़ करके ये सारी वैल्यू इसमें पुट करी, तो वैल्यू पुट करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास डी की आएगी, और वो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी डी की वैल्यू आ जाएगी 5। अब डी की वैल्यू जब 5 आ गई तो फिर ए एन का फार्मूला यहाँ यूज़ कर देंगे, ए एन में एन के प्लेस पर 20 यहाँ हमको रखना है, तो 8 प्लस ए तो 8 है, 20 माइनस 1, और ये 5 आ जाएगा डी की वैल्यू, तो 95 में हम 8 को प्लस करेंगे तो 103 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट वाला हिस्सा होगा इसमें, और मैं सेकंड क्वेश्चन और दे रखा है, और सेकंड क्वेश्चन में एस एन की वैल्यू आपको दे रखी है, तो एस एन में आप यहाँ अब एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो एस 1 आ जाएगा 3, एन की वैल्यू 2 रखेंगे तो फिर एस 2 आ जाएगा 4, देन एस 3 भी हमने यहाँ निकाल लिया, और इसके बाद फिर इसमें ए पी बन जाएगी, तो ए पी यहाँ बनेगी हमारे पास 3 1 और -1 डॉट डॉट, तो यहाँ से फिर ए एन की वैल्यू हम निकालेंगे तो ए तो 3 हो गया और डी हो जाएगा -2 और एन हो जाएगा 10th टर्म यहाँ पूछी गई है, तो -15 इसका आंसर इस तरह से हो जाएगा। तो ये अगला जो 18 वाला क्वेश्चन है उस पर चलते हैं, और कंस्ट्रक्शन वाला ये क्वेश्चन है, इसमें कंस्ट्रक्ट करना है एक ट्राइंगल, और इसमें 5 सेंटीमीटर इक्वलिटी ट्राइंगल है, 5 सेंटीमीटर का एक ट्राइंगल बनाना है, इक्वलिटी ट्राइंगल, और उसका एक सिमिलर ट्राइंगल और बना रहा है, करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो 2/3 में दे रखी है आपको, तो 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट एक खींच लेंगे, दोनों तरफ से आर्क लगाएंगे 5 का, तो ये तो इक्वलिटी ट्राइंगल हो जाएगा, 5 का लाइन सेगमेंट था, दोनों तरफ से आर्क भी 5 का था, तो अब इसमें 2/3 दे रखा है, तो नीचे की तरफ एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे और इसके मैक्सिमम नंबर के बराबर पार्ट करने हैं, 3 पार्ट कर लेंगे, नाम रख देंगे इनका कुछ भी, M1 M2 M3, डिनोमीटर से जॉइंट करेंगे तो 3 से तो जॉइंट हो जाएगा। अब 3 के बराबर का एंगल आपको बनाना है, पहले 3 पर एंगल बनाएंगे SI 2 पर, और ये हाइट ले करके इधर से कट कर देंगे, तो ये पैरल लाइन इस तरह से आ जाएगा ऊपर, सी डैश हो जाएगा। अब सी और सी डैश पर भी ऐसे इक्वल एंगल बना देंगे, ये हाइट ले करके इधर से कट कर देंगे, तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा, यहाँ ए डैश आ जाएगा, तो सिमिलर ट्राइंगल ए डैश बी सी डैश यहाँ बन जाएगा, इसकी कंस्ट्रक्शन आपको लिखनी पड़ेगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 18 का ही और वाला क्वेश्चन है, इसमें एक ड्रा ए पेयर ऑफ टेंजेंट ऑफ ए सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर और विच आर इंक्लाइंड ईच अदर एंगल 60 डिग्री, तो इसमें एक रफ स्क्रैच आपको पहले बनाना पड़ेगा और सेंटर का एंगल फाइंड करना पड़ेगा, दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल 60 यहाँ गिवन है, तो सेंटर का एंगल फाइंड आउट करेंगे बेटा, तो एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ बन गया जिसका नाम
ए ओ बी पी बन रहा है, जिसमें पी तो 60 गिवन है। अब ए और बी के बारे में हम कहें तो ए तो 90 होगा और बी भी 90 हो जाएगा। रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर, देन ओ निकल जाएगा यहाँ पर 360 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेटा 90 और 60, कुल मिलाकर 360 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 240, तो ये एंगल 120 आ जाएगा। अब ये सेंटर का एंगल आपको फाइंड करना है, और ये स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन का पहला पॉइंट, रफ डाइग्राम और साथ में ये कैलकुलेशन। इसके बाद इसको बनाने के लिए तो आप एक सर्कल खींच लेंगे दी हुई रेडियस का, उसमें एक रेडियस तो खुद ही खींच लेंगे, दूसरी रेडियस के लिए आप यहाँ 120 का एंगल बना लेंगे 120। अब एंगल बन जाने के बाद ये जो आएगा ये भी आ जाएगा, अब दोनों पर 90 का एंगल बना देना। एक ऐसे आ जाएगी, एक इधर से आ जाएगी। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन इसमें भी आपको लिखना पड़ेगा, पी ऑलरेडी 60 का आपका बन जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर ये होगा आपका 18 का और वाला। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। और 19 में आपको यहाँ अब 10 10 49, 10 24 और 10 60 और 10 41, 10 66 को रूट 3 के बराबर प्रूव करना है। LHS इसमें ले लेंगे, और LHS लेकर के 90 माइनस थीटा के हिसाब से इसको अरेंज कर लेंगे। 49 का पेयर तो 41 से बन जाएगा, और 10 24 का पेयर 10 66 से बन जाएगा, और साथ में ये 10 60। अब दोनों का सम 90 हो रहा है, एक को चेंज कर लेंगे 10 49, ये कॉट में बदल जाएगा 90 माइनस थीटा के हिसाब से, 90 माइनस 41, ये 10 24, और ये भी कोट में कन्वर्ट हो जाएगा 90 माइनस थीटा के हिसाब से 90 माइनस 66। अब ये 10 60 की वैल्यू तो आप टेबल से रख देंगे 1/√3, 10 60 = √3 होता है, सॉरी, तो 10 60 की वैल्यू √3 रख दी। अब यहाँ 10 × cot 10 49 और cot 49 सब्ट्रैक्ट करने पर 49 आएगा, 10 24 और cot 24, और ये √3 इसमें 10 60 की वैल्यू हमने डाल दी। अब यहाँ आप 10 × cot को कह देंगे 1 होता है, देन 1 × √3 √3 आ गया बराबर आ रहा है। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 19 है ये। अब 19 का सेकंड वाला पार्ट, उसमें आपको प्रूव करना है LHS दे रखा है 1 - sin 1 + sin 1 + sin ऊपर दे रखा है, डिनोमिनेटर में 1 - sin दे रखा है, रूट लगा हुआ है sec a + tan a, तो इसमें LHS को सॉल्व कर लेंगे 1 + sin a और 1 - sin a। देखो इसमें इधर रूट है उधर रूट नहीं है, तो पहले तो रूट को हटाने वाला काम कर देते हैं, इसको रेसलाइज कर लेते हैं, 1 + sin से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने पर ऊपर तो 1 + sin का होल स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे a + b a - b की आइडेंटिटी लग जाएगी, तो 1 का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। अब अगली लाइन में यहाँ अब 1 + sin का होल स्क्वायर तो लिख ही देंगे हम, और ये आ जाएगा 1 - sin² और 1 - sin² तो cos स्क्वायर के बराबर होता है, तो अगली लाइन में आ जाएगा 1 + sin का होल स्क्वायर और नीचे cos स्क्वायर और रूट लगा हुआ है, तो अब स्क्वायर रूट जब करेंगे तो 1 + sin / cos। अब इसको अलग, ये cos a आया, अब इसको जब रूट हट गया तो अलग अलग कर देंगे 1 / cos एंड sin / cos, और 1 / cos हम जानते हैं ये होता है sec a और प्लस में tan a बराबर RHS आ जाएगा। तो
इस तरह से इसका सॉल्यूशन ये करना था हमको। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका, यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 20। और 20 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपको फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डाटा यूजिंग द अज्यूम्ड मीन मेथड। तो इसमें अज्यूम्ड मीन से इसमें मीन फाइंड करना है। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी यहाँ गिवन है बेटा, क्लास और एफ दिया हुआ है। तो एफ में सबसे पहले सिग्मा एफ यहाँ हमने निकाल लिया, 20 आ जाएगा इसका सम। फिर एक्स फाइंड करेंगे, क्लास की दोनों लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड देंगे, क्लास मार्क आ जाएगा 5, 15, 25, 35, 45। इसके बाद इसमें से लेट कर लेंगे बेटा, एक लेट ए इज इक्वल टू अज्यूम्ड कर लेंगे, और अज्यूम्ड हम यहाँ 25 को कर लेते हैं। तो ए हमने 25 अज्यूम कर लिया, इस वाले को अज्यूम किया, तो डी फाइंड करेंगे एक्स माइनस ए। तो पहला तो माइनस 20 आ जाएगा, माइनस 10, 0, 10 एंड 20। एफ इंटू डी कर देंगे, अब माइनस का 40 आ जाएगा, माइनस का 50 आ जाएगा, और 8 को 0 से करेंगे 0 आएगा, 4 को 10 से करेंगे 40 आएगा, और 1 को 20 से करेंगे 20 आ जाएगा। सिग्मा एफ डी जब करेंगे तो प्लस प्लस के यहाँ ऐड करोगे तो आ जाएगा 60, और माइनस के हो रहे हैं 90, तो माइनस 30 यहाँ रिमेन बच गया। इसके बाद इसका फॉर्मूला अज्यूम्ड मीन से मीन फाइंड करने का, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, फॉर्मूला लगा देंगे तो ए के प्लेस पर तो आ जाएगा 25, और सिग्मा एफ डी, तो सिग्मा एफ डी माइनस का 30 लिखेंगे और अपॉन में आ जाएगा 20। 0 से 0 तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 25 माइनस 3/2 आ जाएगा, और अब इसमें 25 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1.5, तो 23.5 इसका मीन यहाँ अज्यूम्ड मीन मेथड से आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 23.5। क्वेश्चन नंबर आपका ये 20 का फर्स्ट वाला हुआ। अब इसके बाद सेकंड वाले पर आ जाएं, और इसमें आपको मोड फाइंड करना है, और क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी की टेबल यहाँ दे रखी है। अब इसमें एफ में आप हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को यहाँ देखेंगे तो वो F1 हो जाएगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो अपने पास है 25, देन मोड क्लास, मोड क्लास हो जाएगा यहाँ मेरा 30 to 40। मोड क्लास हो जाएगा 30 to 40, एल की वैल्यू तो 30 हो जाएगी, और F1 25, F0 हो जाएगा ये, और ये F2 हो जाएगा। फिर फार्मूला यहाँ मोड का हम लगा देंगे Z वाला, Z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, वैल्यू रख देंगे 30 प्लस F1 की वैल्यू 25 आई है, माइनस F0 तो 20 आ जाएगा, 2F1 कर देंगे बेटा 50 आ जाएगा, और 20 और माइनस F2 22 इंटू H के प्लेस पर आ जाएगा यहाँ 10। अगली लाइन को सॉल्व करेंगे, 30 प्लस यहाँ इसमें से रिमेन 5 बचेगा, और अपॉन में आ जाएगा 42, सब्ट्रैक्ट होगा तो 8 इंटू 10, डिफरेंस यहाँ 10 का है। अब काट देंगे 2 से, अगर ये डिविजिबल है 5 और ये 4, 30 प्लस 25 अपॉन 4, 30 प्लस डिवाइड दे देंगे 6.25 आएगा, आंसर आ जाएगा 36.25। तो इस तरह से ये मोड इसका फाइंड करेंगे, 36.25 आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका ग्राफ है, और ग्राफ में आपको सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाई ग्राफिकली मेथड। तो पहला जो इसमें दे रखा है वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 इक्वेशन है, और दूसरा y इज इक्वल टू 2x माइनस 7। तो पहली टेबल यहाँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 की बनाएंगे, तो x इज इक्वल टू 8 माइनस वाई हो जाएगा। वैल्यूज़ यहाँ रखेंगे, अब y की 2 रखेंगे तो 6 आएगा, 4 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, 6 रखेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये पहली टेबल होगी, y इज इक्वल टू 2x माइनस 7। तो इसमें x की वैल्यू रखेंगे, 0 रखेंगे तो माइनस 7 आएगा, अब 2 रखेंगे तो इसमें माइनस 3 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह से तो ये टेबल बनेगी, और इसके बाद इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा।
इसमें फोर पार्ट में आप डिवाइड कर लेंगे और डिवाइड करने के बाद स्केल यहाँ लिख देंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, देन 1, 2, 3, 4 इस तरह से काउंटिंग लिख दी मैंने 8 तक, इधर -8, इधर प्लस का आएगा, इधर माइनस का आएगा, इन पॉइंटों को यहाँ इसमें शो कर देंगे 6 पर 2, तो 6 पर 2, इसके बाद 4 पर 4, 4 पर 4 आ जाएगा और 2 पर 6, तो 2 पर ये 6 हो गया, तो एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएगी पहले वाले की। इसी तरह से दूसरे वाले में भी 0 पर -7 है, तो 0 पर -7 नीचे की तरफ आएगा और 2 पर -3, तो 2 पर -3, इसके बाद 4 पर 1, तो 4 पर 1 हो जाएगा, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन आएगी। दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट होगी वहाँ से इसका आप आंसर करेंगे, तो यहाँ दोनों इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो यहाँ से जब आंसर करेंगे तो x की वैल्यू तो 5 आएगी और y की वैल्यू आ जाएगी 3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा x इजिकल टू 5 एंड y इजिकल टू 3। तो ग्राफ का पहला जो हिस्सा है वो इस तरह का है। अब सेकेंड जो ग्राफ है और मैं दे रखा है आपको, दोनों में से एक करना था, तो सेकेंड वाले का अगर आप ग्राफ आपने बनाया है तो वो कैसे होगा देखें इसको। फर्स्ट इक्वेशन है 3x-2y = 9, और दूसरी फर्स्ट इक्वेशन में 3x की वैल्यू 9-2y आएगी, तो x की वैल्यू 9 प्लस 2y आएगी, तो 9 प्लस 2y/3। अब यहाँ वैल्यू रख दी बेटा हमने, सबसे पहले y की वैल्यू 0 रखी, तो x की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 3 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, और -3 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। अगली जो टेबल है वो x = y+2 है, तो यहाँ y की वैल्यू रखी मैंने 2, तो x की वैल्यू 4 आई, 5 रखी तो 7 आ जाएगी, -2 रखेंगे तो 0 आ जाएगी। तो इस तरह से ये टेबल इसकी सेकेंड जो और मैं दे रखा था उसकी बनेगी, और इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर वो इस तरह से होगा। फोर पार्ट में डिवाइड करेंगे, स्केल लिख देंगे 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट, इसके बाद इसकी जो टेबल है उसको आप रिप्रेजेंट करें 3 पर 0, तो 3 पर 0 हो गया, 5 पर 3, तो 5 पर 3 आ जाएगा, और 1 पर -3 आएगा, तो 1 पर -3 नीचे की तरफ एक स्ट्रेट लाइन यहाँ ये बन जाएगी। इसका इक्वेशन डाल देंगे इस पर। दूसरा फिर इसमें 4 पर 2 बनाना है, तो 4 पर 2 हो जाएगा, 7 पर 5 आएगा, तो 7 पर 5 हो जाएगा, और 0 पर -2, तो नीचे की तरफ, और ये भी एक स्ट्रेट लाइन आएगी। दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट हो रही है वहाँ से आंसर करेंगे, तो आंसर आप देख सकते हैं इस जगह इंटरसेक्ट हो रहा है, तो x का जो आंसर है वो तो 5 आएगा और y का आंसर 3 आ जाएगा। तो ये ग्राफ से अपन ने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कंस्ट्रक्ट करना है एक ट्राइंगल ABC, जिसमें BC आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर और AB दे रखा है 5। 6 का एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे जिसका नाम BC रख देंगे, और 60 का एंगल यहाँ इस पर बना देंगे प्रोटेक्टर से या कंपास से। यहाँ एंगल बनाया गया 60 का, और 5 का आर्क काट करके, 5 सेंटीमीटर का आर्क काट कर पॉइंट ले लिया A, और इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, तो इस तरह से ट्राइंगल बनेगा। अब इसमें आपको एक सिमिलर ट्राइंगल बनाना है जिसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो 3/4 दे रखा है, तो नीचे एक आर्क लगाएंगे, एक लाइन सेगमेंट अक्यूट एंगल बनाता हुआ खींच देंगे, 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे। नाम इस पर आप B1, B2, B3 जो भी आप लिखना चाहें। डिनोमिनेटर से ज्वाइंट करेंगे तो 4 से ज्वाइंट कर देंगे, इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे। अब 4 पर एक एंगल बनाएंगे, उस तरह का ही एंगल, इक्वल एंगल यहाँ बनाएंगे 3 पर, ये हाइट ले करके यहाँ से आर्क काट देंगे, तो पैरेलल लाइन इस तरह से चली जाएगी एक, तो पॉइंट आ जाएगा आपके पास C'। अब C डैश पर बनाएंगे, ये हाइट ले करके यहाँ से काट देंगे, तो एक पैरेलल लाइन ऐसे आ जाएगी, तो ये आपका इसमें सिमिलर ट्राइंगल तैयार हो जाएगा, जिसको बोलेंगे A'B C'। सिमिलर ट्राइंगल बन जाने के बाद इसका आप कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, और इसी का सेकंड जो क्वेश्चन है जो और मैं आपको दे रखा है वो है ड्राई सर्कल डायमीटर 4 सेंटीमीटर, डायमीटर इसका 8 सेंटीमीटर है, एक सर्कल बनाना है जिसका डायमीटर 8 सेंटीमीटर है, फ्रॉम द पॉइंट 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, इसके सेंटर से 8 सेंटीमीटर अवे एक पॉइंट लेना है, और उसके बाद कंस्ट्रक्ट करना है पेयर ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्कल, मेजर दियर लेंथ, तो 4 रेडियस हो जाएगी, 4 रेडियस का एक सर्कल बना लेंगे, और सेंटर से डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर, लेट इट बी पी। अब इसका परपेंडिकुलर बाईसेक्टर करके यहाँ पॉइंट जैसे क्यू आ जाएगा, और इस क्यू से पी के बराबर डिस्टेंस लेकर के एक सर्कल और बना देंगे, तो पेयर ऑफ टेंजेंट दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर ये पेयर ऑफ टेंजेंट बन जाएगा,
पीसेस को ज्वाइन कर देंगे तो इस तरह का कुछ ये फिगर यहाँ बनेगा। और अब इसके बाद इसको मेज़र करना है, तो मेज़रमेंट करने के लिए आप इसमें 8 सेंटीमीटर अवे ये पॉइंट है और मेजर दियर लेंथ, तो स्केल से ही मेज़र इसकी लेंथ को कर लेंगे। इस तरह से ही आपको करना है, इसका कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन नंबर 23 में आप देखें क्वेश्चन में मीडियन यहाँ आपको पूछा गया है, तो मीडियन पूछा गया है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी यहाँ दी हुई है, तो क्लास में 1 to 4, 4 to 7, 7 to 10 इस तरह से ये क्लास दिया हुआ है और एफ बी इसमें आपको दे रखा है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए सी एफ लिखेंगे, तो सी एफ यहाँ 6 का तो 6 हो जाएगा, 6 में 30 को प्लस करेंगे 36 में 40 तो 76 हो जाएगा, 76 में 16 को प्लस करेंगे 92 आ जाएगा और 92 में 4 को तो 96 और ये 100। अब एन वाई टू तो 100 अपॉन 2 तो ये आ जाएगा 50 और इससे जस्ट अबव सी एफ जब आप देखेंगे तो 50 से जस्ट अबव तो 76 है, देन मीडियन क्लास 76 के सामने वाला 7 to 10 आ जाएगा। अब हेयर वैल्यू लिखेंगे, एल की वैल्यू 7 हो जाएगी, एन वाई टू अपने पास 50 है ही, सी एफ लिखेंगे, सी एफ हो जाएगा 36, एफ लिख देंगे तो एफ हो जाएगा 40 और एक लास्ट वैल्यू एच है जो वो तो अपने पास 3 आएगा, 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट करके एच लिख देंगे। फिर मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे, एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ और इनटू एच, तो एल की वैल्यू तो आ जाएगी यहाँ पर 7 प्लस एन अपॉन 2 बोले तो आ जाएगा 50 और सी एफ जो आएगा वो 36 है और इसके बाद अपॉन में एफ आएगा 40 आ जाएगा और एच की जगह पर आ जाएगा 3, 7 प्लस 14 अपॉन 40 इंटू 3, 7 प्लस 42 अपॉन 40 डिवाइड लगा लेंगे 42 में, जब 40 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.05, तो आंसर इसका आ जाएगा 8.05। तो ये इसमें मीडियन निकलेगा इस तरह से, 8.05 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका और मैं दे रखा है उस पर आते हैं। यस, क्वेश्चन जो लास्ट का क्वेश्चन है हमारा, उसमें आप देख सकते हैं आपको टेबल दे रखी है, उस टेबल में एक बात और देखें आप कि डिफरेंस यहाँ ये जो क्लास है वो कंटिन्यू नहीं है बेटा, 9 से 11, 11 से 19 तक जा रहा है तो 21, तो डिफरेंस बार बार 2 का आ रहा है, तो 2 इसकी जो टेबल है इसको कंटिन्यू, क्लास को कंटिन्यू करने के लिए अपन को डिफरेंस का हाफ लोअर लिमिट में तो सब्ट्रैक्ट करना है, अपर लिमिट में ऐड करना है, तो ऐसा जब अपन करेंगे तो फिर ये टेबल कुछ इस तरह की बन जाएगी। क्लास इसमें आ जाएगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 और 30 to 40 और 40 से 50 आ जाएगा, लास्ट 50 to 60 आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बेटा, फ्रीक्वेंसी वही रहेगी 6, 10, 12, 22 और 17 और 8। तो इस तरह से ये जो हमारा क्लास था उसको हमने कंटिन्यू कर लिया। अब इसमें मोड अपन को फाइंड करना है, तो मोड फाइंड करने के लिए अब टेबल हमारी ये आ गई है, इसमें अब मोड निकालेंगे तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं वो है 22 हो गई, देन मोड क्लास, मोड क्लास हो जाएगा हमारा 30 to 40, हेयर एल इज इक्वल टू 30, एफ वन ये हो जाएगा एफ जीरो और एफ टू और एच इसमें डिफरेंस है और वो डिफरेंस हमको दिख रहा है 10 का हो गया है अब, तो फिर मोड का फॉर्मूला लगा देंगे, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन
माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू और इन टू में एच आएगा तो एल के प्लेस पर तो आ जाएगा 30, एफ वन के प्लेस पर आ जाएगा 22, एफ ज़ीरो 44 आएगा, 12 आ जाएगा और ये आ जाएगा 17 इंटू एच के प्लेस पर 10। यहाँ रिमेन 10 बचेगा बेटा और इधर 44 में से अपन को सब्ट्रैक्ट कर लेना है 29, तो 44 और 29 जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो 15 यहाँ रिमेन बचेगा, 15 बच जाएगा और मल्टीप्लाई में 10, इसको सब्ट्रैक्ट इसको 5 से तो कुल मिलाकर आ जाएगा हमारा, यहाँ लिख देते हैं इसका आंसर 30 प्लस 20 अपॉन 3, 30 प्लस 3.666 ऐसे आएगा एप्रोक्स में, आप इसको लिख सकते हैं 36.67 एप्रोक्स। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर होगा लास्ट वाला। अब तो ये आपका सॉल्यूशन था। थैंक यू।